मुझे आपकी तरह पति चाहिए। अगर दीदी से आपकी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं आपसे शादी कर लेती। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिंदगी भर साथ निभाऊंगा और जिंदगी के बाद भी। मेरे बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब कि आई एम प्रेग्नेंट। मेरी जान ही ले ली। ऐसे कोई करता है क्या भला? ऐसा मत बोलो मेरी जान। अगर तुम्हारी जान निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे आप तो परसों आने वाले थे, अचानक आज कैसे? मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं भाग के तुम्हारे पास आ गया। अब इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी, कैसे दूर रहूं? भला कोई बेवकूफी होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी को घर में छोड़ के खुद बाहर है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा जी, बहुत रोमांटिक हो रहा है, क्या बात है? हाँ तो रहा हूँ, तो चलो इस प्यार को आगे बढ़ाएं। आज ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मीटिंग है, सालों से मीटिंग अटकी पड़ी थी उसकी, तो आज आई होप हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। दही चीनी तो खाना, दही खाने से सब अच्छा होता है। थैंक यू एंड लव यू। ऑल द बेस्ट, लव यू टू। आज सिर्फ मीटिंग है इसलिए हो सकता है मैं घर जल्दी आ जाऊँ। ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ रचना, हाँ कैसी है तू? हाँ मैं भी ठीक हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? क्या तू स्टेशन पे आ गई है? अरे पहले से बता दिया होता, तेरे जीजू को भेज देती। चल मैं घर में तेरा इंतजार कर रही हूँ, आ जा, मैं कुछ बना के रखती हूँ। ठीक है, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते, कब आई तुम? बस आज ही आई, बहुत दिन हो गए थे ना आप लोगों से मिले हुए, तो सोचा मिल लेती हूँ। बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब आ गई हो तो रुकना पड़ेगा कुछ दिन, अब ऐसा इतने दिन बाद तुम आए हो, जल्दी से आने नहीं दूंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल रुकूंगी, अब आपने इतने प्यार से बोला है तो। आ गए आप? अच्छा जी, जीजा साली मिल भी लिए और हंसी मजाक भी शुरू। नहीं नहीं, मैं इसे कह रहा था कि इतने टाइम बाद यहाँ पे आए हो तो रुकना कुछ दिन। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अब सारी बात यहीं करोगे, अंदर भी चल लो। हाँ वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, तुम लोग बातें करो मैं आता हूँ।
जीजा जी आप कब आए? मैं अभी आया। अंदर आइए ना, इतना घबरा क्यों रहा है? मेरे ख्यालों में खो गए थे क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं पूछ रहा था, ये रूम सब ठीक है ना? मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमरा तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जीजा जी के रहते हुए साली को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बात तो सही है, प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मैं कमरा देखने आया था, तुम आराम करो ठीक है? किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो बताना। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या हुआ? अरे कल तो तुम बोल रहे थे जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उससे कोई दूर कैसे रह सकता है, और आज जब से ऑफिस से आओ तब से काम में लगे पड़े हो। चलो तो फाइल बंद कर दी। और इतने से बात पे इतना नाराज होते हैं क्या? अच्छा मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अचानक ये सवाल? बताओ ना, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? खूब पता तो है, बस तुमसे सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा और जिंदगी के बाद भी। तुम्हारे बिना अपनी लाइफ तो सोच भी नहीं सकता मैं। अच्छा प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। वो बस आज जी घबरा रहा था इसलिए मैंने ऐसे सवाल पूछ लिए। सुनिए, उठिए चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आज ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है। कहाँ ना, सारा टाइम काम काम काम, अपने हेल्थ पे भी तो ध्यान देना होता है। बोल दिया ना नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सुबह सुबह डांट क्यों रही हो? अब तुमने कह दिया ऑफिस नहीं जाना है, नहीं जाना है। अगर आप प्यार से सुन लेते तो मुझे डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इतना बंठन के सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? अरे वो आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड की शादी है, उसकी शॉपिंग के लिए वो बुला रही है, पर मैं सोच रही हूँ मना कर देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं, मेरी तबीयत अच्छी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, रचना रचना। हाँ दीदी। अच्छा सुनो, तुम्हारे जीजू की तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे एक काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तुम इनका ख्याल रखना, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रचना से ले लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। जीजू आप आराम करिए, मैं आपके लिए दवा और नाश्ता दोनों लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, तुम बैठो ना। मुझे पता है आप हमेशा दीदी के हाथों से खाना खाते होंगे ना, कोई बात नहीं आज मैं खिला दूंगी, मेरे हाथों से खाना खा लेना। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। बिल्कुल होती है। अब मैं तो तुम दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम दोनों ही मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो, लेकिन तुम्हारी हंसी ज्यादा अच्छी है।
ठीक है जीजू, आप आराम करिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। अरे मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बीमार नहीं आप, तो आपने दीदी से झूठ बोला था ना। हाँ कोई नहीं, मुझे कितने दिन हो गए आए हुए ना, कहीं घूमने नहीं गए, चलिए ना कहीं घूमने चलते। तो अभी चलते हैं इसी बात पे, मैं चेंज कर लूं। हाँ से कितना लकी होगा तुम्हारे पास, इतने सुंदर जीव मिली। नहीं जीजू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या बात कर रही हो, सिंगल हो? क्यों? बस ऐसे ही, अभी तक कोई मिला ही नहीं जो मुझे समझ सके, प्यार करे और जिसे देखकर मैं कह सकूं कि ये मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा बताओ किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए तुम्हें? बता दूं? बता। बिल्कुल आपकी तरह जीजू, मुझे आपकी तरह पति चाहिए। अगर दीदी से आपकी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं आपसे शादी कर लेती। तुम्हें पता है मेरी जिस फ्रेंड की अभी अभी शादी हुई थी, उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया। मेरी फ्रेंड ने तो उसे डिवोर्स पेपर भेज दिया। ऐसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पता है जब से सुनी हूँ ना, उस इंसान पे इतना गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। रचना क्या बात है, आजकल तू बहुत खोई खोई दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुझे? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, अपने जीजू को बता, हम दोनों हैं ना। नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। मेरा एक कॉल आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं अटेंड कर। हेलो। हाँ कब तक चलेगा ये सब? मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम अंकिता के साथ होते हो, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब कि आई एम प्रेग्नेंट। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बिना नाम के रिश्ते के साथ नहीं रह सकती। अभी भी गुस्सा, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है तुम्हारे बिना। मान जाओ ना प्यार करती हो मुझसे तुम,
तो फिर अपना लो मुझे, फिरोज प्यार मिलेगा। मैंने थोड़ा सा वक्त मांगा है तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे जिस तरीके से भी करूं, लेकिन मैं कर दूंगा। और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पता है ना तुम्हें। अच्छा मुस्कुरा दो एक बार, मुस्कुरा दो, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम, मुस्कुरा। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो। सचिन, ओ अच्छा तो ये सब चल रहा है तुम दोनों के बीच, तभी मैं सोच रही हूं कि कुछ दिन से तुम दोनों के हाव भाव क्यों बदले हुए हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? छी, मेरी ही बहन के साथ। किताब मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जस्ट शट अप, बिल्कुल चुप। मैं और तुम्हारी बात सुनूं? अरे तुमने सुनने लायक छोड़ा क्या है? बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ? मैं सोच भी नहीं सकती थी। और एक बात कान खोल के सुन लो, तलाक के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी मैं, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और रचना तुम, वाह वाह वाह, बहन होने का क्या सिला दिया है, बहुत अच्छे। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। घर उजाड़ के क्या मिला तुम्हें? कलंक हो तुम बहन के नाम पे, रहो अब तुम दोनों एक साथ। तुम दोनों को क्या लगा कि इतनी आसानी से मार दोगे मुझे? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, तुम्हें मैं क्या कहूं? खाओ तो अपनों के लगते, आज के बाद कोई भी अपनी सगी बहन पे भरोसा नहीं करेगा। रचना तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, मेरा घर उजाड़ कर तुम दोनों भी खुश नहीं रहोगे।
बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मेरा बदला पूरा हो गया। कैसा बदला? कॉलेज में मैं एक लड़के से प्यार करती थी, इस अंकिता ने मेरा ब्रेकअप करवा दिया और घर वालों को मेरे अफेयर के बारे में बता दिया सब कुछ, और मेरे घर वालों ने उससे मिलना जुलना सब बंद करा दिया। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इसका घर नहीं बसने दूंगी, मैं इससे इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। ये प्यार, ये प्रेगनेंसी, ये तो एक नाटक था, इसने मेरा घर उजाड़ा था ना। आज मैंने इससे इसका सब कुछ छीन लिया, मैंने इसका घर उजाड़ दिया। Oh, my God.